बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुश्किल कमेटी टनोलियार ये करीब का एरिया है, ये सामने शनकोट और ये इस वक्त मैं इस रोड पे चल रहा हूँ। ये लेडी हॉस्पिटल और इसके साथ ये कदीमी सरकारी पार्क है। मुश्किल कमेटी टनोलियार ने इस पार्क के कई नाम रखे, क्योंकि जिसमें रिकॉर्ड में इसका नाम गांधी पार्क है, लेकिन अब इसका नाम चूँकि शालती पार्क है। सीजन कोर्ट बिल्कुल इसके सामने है। ये अभी सरकारी पार्क में प्रेस क्लब की ओर बिल्डिंग को कोर्ट के आर्डर पर तोड़ा गया था, लेकिन मुश्किल कमेटी टनोलियार की जानिब से इसकी दीवारें कायम नहीं हुई। ये रोड रेलवे स्टेशन पर भी जाता है, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि दीवारें तामीर नहीं हुई। अजीब मेरा शहर है टनोलियार। मुश्किल कमेटी टनोलियार के करीब सेशन कोर्ट टनोलियार के सामने ये मुश्किल कमेटी टनोलियार का पार्क, इसका नाम गांधी पार्क टनोलियार के रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन मुख्तलिफ टाइमों में इसका नाम तब्दील होता रहा, अब शालती पार्क है। पुलिस थाना टनोलियार, मुख्तियार का टनोलियार, सेशन कोर्ट, रेलवे स्टेशन पर जाने वाले मुसाफिर, मुश्किल कमेटी टनोलियार ऑफिस, नादर ऑफिस और शहरियों के पास आने वाले मेहमानों के अलावा जब मुर्तजा डाडा हाल में कोई प्रोग्राम होता है तो सेशन कोर्ट टनोलियार में या सेशन जज डीआरओ या मुख्तलिफ सिविल अदालतों के जजों के पास आने वाले मेहमान या अदालत में आने वाले दीगर पाकिस्तान के इलाकों के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नामवर बैरिस्टर वकला शहरी आते हैं तो कुछ शर्म उनको भी आती होगी। क्या ये गोट देहात है जिसमें पाक पोशीदा और टूटी हुई दीवारें यकीनन अच्छे अल्फाज इस ज़िला टनोलियार की सिटी के लिए अदा कर होंगे। गरीब लोगों का यह दियार बहुत छोटा सा इलाका है। टनोलियार इलाके की कौमी असम्बली पशुआ असम्बली के मेम्बरान, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, बार कौंसिल के अहदेदारों को सोचना चाहिए कि वो इस पार्क की तामीर के लिए अपना किरदार अदा करें। इस पार्क का दूसरा रास्ता चूँकि ये है, लेकिन इसके साथ ही सामने ये दीवार भी टूटी हुई है। आप देख सकते हैं कि शाहतुलती पार्क, मिठाई पार्क, ये मोहतरमा शमशाद सत्तार बचानी एम एन ए टनोलियार 16 मई 2011 को इफ्ताह किया था। टनोलियार इस वक्त ज़िला बन चुका है, ताल्लुका वाली कंडीशन मौजूद नहीं है, लेकिन सेशन कोर्ट में आने वाले जज, मुख्तियारकार और मुतशर राडाई हाल में आने वाले अफराद जब इस कोर्ट के सामने सरकारी पार्क को देखते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे? क्या ये टनोलियार सिटी एक गरीब देहात है जो कि आप देख सकते हैं? क्या रिमार्क्स होंगे? क्या उनको भी कुछ शर्म आती है? इसलिए कि आने वाले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और मुख्तलिफ शहरों से, सूबों से आने वाले वकला, मेहमान वो लाजमी सोचते होंगे कि एक छोटा सा देहात है, लेकिन नहीं, ये सिंध का सबसे अमीर तरीन इलाका ताल्लुका टनोलियार, जो डिस्ट्रिक्ट टनोलियार है, जो ज़रई एतबार से बाकायदा सिंध में आमदनी वाला एक ज़रई इलाका है, आमदनी देता है करोड़ों रुपया बजट जो के मंजूर होता है, करोड़ों रुपया मुश्किल कमेटी टनोलियार का बजट जो के मंजूर होता है, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि वो गवर्नमेंट आती रही जाती रही, लेकिन इस सिलसिले में किसी ने ध्यान नहीं दिया।
आज ओल्ड साफी राजेश्वर महानदादा आपको इस पार्क की कंडीशन दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि आने वाले मेहमान क्या इस शहर के बारे में रिमार्क्स रखते होंगे। म्युनिसिपल कमेटी टनोलियार करीब है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन आते और जाते और बदली होते हैं। ये बराबर में किसी टाइम में सिंधी अदबी संगत लाइब्रेरी थी, लेकिन अब इसकी जगह पर शाह लतीफ़ लाइब्रेरी कायम की गई। आप देख सकते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। इसकी तामीर में थोड़ा खर्च है, अगर इसको लाइब्रेरी को तामीर कर दिया जाए तो बहुत बेहतर है। ओल्ड साफी राजेश्वर महानदादा टनोलियार सिंध, आप देख सकते हैं कि ये क्या कंडीशन है। ये शहरी हैं, आप बताएं कि ये सरकारी गार्डन जो मुख्तलिफ नामों से रहा, इस वक्त शालती बिटाई गार्डन है, इसकी क्या पोजीशन है? पोजीशन माशाल्लाह मवालियों को एक बनी बनी अड्डा मिल गया है जी, और ये कदीमी दरख्त गिर गया, बेच दिया, लेकिन उसकी जगह इतना नहीं हो सका कि यहाँ पे ग्रिल लगा दें। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम बस अतीक रहमान बिरोही। माशाल्लाह, चलें आप बताएं। सैयद अब्दुलरहमान जी, मैं सैयद अब्दुलरहमान फंक्शनल मुस्लिम लीग जनरल सेक्रेटरी जी टंडोलियार हूँ। मैंने बहुत कई मरतबा मतलब जो है ना बल्दिया को भी इसके मुताबिक बताया गया कि भाई पार्क जो शहर का पार्क है इसको बनाओ सही तरीके से। अब ये खंडर बनता जा रहा है, अभी एक दरख्त कटा है और जो जालियाँ थी लोहे की वो भी खबर नहीं कहाँ चली गई, और जो है ना दूसरे मामला बाग के जो ख़राब है, मवाली सारे इसके अंदर बताए फ़कीर का जो हाल बना हुआ है। इसमें जो लेडीज़ आती हैं क्या उनको भी कोई तंग वगैरह करता है क्या? मतलब सी ये लाइब्रेरी जो इसमें जो है ना नशा करने वाले मौजूद होते हैं। मेहरबानी, थैंक्स। ये देखें लाइब्रेरी, इसकी कंडीशन जो आप देख रहे हैं, ओल्ड साफी राजेश्वर महानदादा आपको दिखा रहा है। अभी ताज़ा सुबह असम्बली के मेंबर ने शाइनात लाइब्रेरी का 1.5 के बराबर में इफ्तिताह किया। मेरी अपील है कि वो संग बुनियाद पर गौर करें, क्योंकि साबिक सुबह असम्बली के मेंबर अगर वो गौर करेंगे तो यही लाइब्रेरी इसको जो कि मुकम्मल है इसको कोई भी नाम दिया जा सकता है। ये बेहतर होगा कि हाई कोर्ट के आर्डर पर लाइब्रेरी एक चलाई जाए। ओल्ड साफी राजेश्वर महानदादा टनोलियार, आप सरकारी पार्क टनोलियार की पोजीशन देख रहे हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन काउंसलर, यकीनन आप भी सोचते होंगे और आपको सोचना भी चाहिए, क्योंकि ये मुझको ख़ुद शर्म आ रही है कि अगर मेरे शहर में कोई मेहमान आ जाए तो उसको किस तरीके से घुमाया जाए, जब कोर्ट में हज़ारों साइलेंट और वकला बाहर से आते हैं और शहर के आते हैं तो उनको भी यकीनन शर्म तो महसूस होती होगी। इन जज साहिबान के पास अगर कोई मेहमान आता होगा और बाहर के अफसरान आते होंगे तो वो भी सोचते होंगे क्या ये छोटा सा देहात, लेकिन नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट टनोलियार सिंध है जिसके म्युनिसिपल पार्क और म्युनिसिपल कमेटी टंडोलियार के करीब, शिशन कोर्ट के करीब उसकी ये हालत आपने देखी। और साफी राजेश्वर महानदादा टंडोलियार सिंध, अस्सलाम वालेकुम, देखते जाओ शर्माते जाओ, सस्ता नहीं तुझको ये मनसब सरदारी। अस्सलाम वालेकुम।